तो जो जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं वो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो उनको मिल सके। अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। हो गया खराब, जिससे हमने कटिंग कर ली थी ना, अभी हमें याद आया कि हमारे सामने यहाँ जरूरी है। ये देखें नई मशीन से दस ने काट लिया चेक। अभी हम ये ट्राई करेंगे, अगर ये सही हुआ ना फिर हमारी मोचे हो गई है, फिर हम बचेंगे नहीं। तो अभी ना रोटी की कटिंग मैंने शुरू कर दी है, फिर सामान निकाल रहा हूँ अभी अपना। तो पीली छाबी कहाँ गई हमारी? पीली छाबी नहीं मिल रही, पीली छाबी। चलो खैर, ये तो लगाई ना, अभी भी लगाने लगी है। अभी रोटी का रोटी रोटी भी आ गई है, अब उसको काट के रखेंगे इसमें। चलो कोई ना, क्या तुम्हारा भाई जुगाड़ लगा ही लेगा, अभी खैर काटता हूँ। भाई जग नहीं कर रहा है सही, अभी मैं एक रोटी आपको ग्राइंड करके दिखाता हूँ। मैंने रोटी तोड़ी है ऐसे, एक ये ऐसे चार पीस हो गए। इसको डाले इसमें, इसका ढक्कन कर देना है बंद। और ये हमारी रोटी ग्राइंड हो गई, ये निकालना जबरदस्त। चेक करो, और तकरीबन आधे घंटे की मेहनत के बाद तो मैंने काट ली है रोटी। इसको डालना है ओवन में, ओवन की डिश ही नहीं सही। ये सही भाई, तो रोटी गर्म हो रही है मेरे पीछे ओवन में। अभी रोटी गर्म होगी तो ऊपर जाके जाओ, परिंदों को खोलूँगा अपने से। पहले खोल देना, कोई अंडा वगैरह दिया होगा तो खा लिया। ये देखो बस कुछ सेकंड जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे भाई ने रोटी ले लिया है, रोटी ले गया, इनको खोलना है फिर उसके बाद रोटी डालनी है। तो शुरू करते हैं फिर। तो इन वाले परिंदों को मैंने खोल दिया, अब मैं जाने लगा ऊपर। रोटी पहले मैं ऊपर ही डालूंगा, इधर नहीं डालूंगा, ठीक है? नहीं, रोटी पहले मैं इधर ही डालूंगा। अभी मैं रोटी को ना यहाँ से तो आगे रख देता हूँ ताकि हवा ना लगे। अभी मैं चलता हूँ ऊपर, तो यहाँ ऊपर तो मैं आ गया हूँ। परिंदों को खोलना भी है, अभी परिंदों को खोलने की मैं वीडियो बना रही हूँ। तो परिंदों को खोलते हैं और तुम्हारा भाई आज अकेला, तो अभी मेरे लगने वाले हैं। तो तुम्हारे भाई ने ऐसे चुटकियों में आधे पौने घंटे में सारे जानवरों को खोल दिया, और अभी मैं जाने लगा हूँ नीचे से रोटी लाने। तो मैंने नीचे फटाफट से करके तो रोटी डाल दी है, अब बारी है इनकी। तो अभी मैं इन सारे छोटे परिंदों को ना, ये वाले जो हैं, इन सबको ये डालने लगा रोटी। पहले मैं इनकी रोटी बनाता हूँ। ये देखो, ये बनाई है आपके भाई ने। ये देखो चलांगे लग रही है, चलांगे। अभी इसको मैं झाड़ लेता हूँ, इस वाले को ये मैंने झाड़ लिया। और ये देखो जी, हा, गरम गरम रोटी। ये देखो, क्या बात है, मज़े हो गए मज़े। अभी इनको मैं थोड़े से भर देता हूँ। तो ये आपके भाई ने बना लिया, अब ये देखो जरा, खुद ब खुद आएंगे, ये खुद ब खुद आएंगे। अभी ये गए अंदर माशाल्लाह। ये देखो जी, ये बिस्मिल्लाह, ये देखो
माशाल्लाह, वो देखो वो खा के भाग रही है, देखो माशाल्लाह। हवारी इनकी, ये देखो ये उतावलापन देखो, अभी खा रहे हैं ये। तो मैंने रोटी किस तरह गर्म करी है अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पहले रोटी क्रश कर ली, फिर उसके बाद उसको बारीक शॉपिंग बैग के अंदर बंद कर लिया, फिर उसके ऊपर 2.5 मिनट का ओवन लगाया, फिर उसको पलटा कर 2.5 मिनट का ओवन लगाया। इस तरह टोटल 5 मिनट में हमारी रोटी बिल्कुल गर्म हो गई है और मैंने अपने परिंदों को खिला भी दी है। तो अब जिन जिन ने फिनिश कर लिया अब उनको थोड़ी सी और डालने। तो आपके भाई ने ऊपर तो पूरी तरह से रोटी पा दी थी, हूँ जाना थले, ठीक है ना। एक भाई ने मुझे कहा भाई पंजाबी में एक क्लिप जरूर डालो, तो हूँ मैं चले आ थले, तो थले जाके तो मैं हूँ रोटी पावाँगा, ठीक है। तो अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? अभी जो आज जो मैंने पानी बनाया ना जब परिंदों के लिए अपने, वो बनाया स्क्वायर रोज़ में, ठीक है ना। इसका जो सॉल्ट है ना वो एंड्रोफ्लोक्सासिन ऐसा ही है। बस आप इस सॉल्ट का कोई भी सिरप अगर आपको मिल जाए या रोज़े मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो वो उसका इस्तेमाल करें अपने परिंदों के अंदर ज़रूर। जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि मुझे पता लगा मेरे परिंदों में बीमारी आई है, वायरस, तो वायरस का हल इसके साथ ही है। अब वायरस आ गया तो उसको दूर किया जाए, जिसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है उसका आप इलाज कर लें, ठीक है ना। बकाया की केयर ये होगी, प्रिकॉशन ये होगी कि ये 4 दिन पानी, जिस अगर आप सुबह शाम पानी पिलाते हैं तो सुबह शाम 4 दिन आपने इसी का पानी पिलाना है, इसका बना के, ठीक है। ये आपने डालना है 2 लीटर पानी में 1 cc, तो ये आपने डाल के फिर अपने सारे परिंदों को है इस्तेमाल करवाना है। ये कम अज़ कम 3 से 4 दिन आपने इस्तेमाल कराना, तो इंशाल्लाह जो वायरस होगा वो ख़त्म हो जाएगा आपके परिंदों की, इसी से वैक्सीनेशन भी हो जाएगी, आपको वैक्सीनेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो मैं आया था अभी ऊपर पानी पिलाना है ना अपने परिंदों को, तो मैं आपको बताता चलूं कि पानी तो मैं इनको पिलाऊंगा, आप लोग भी पानी बनाए। पानी मैंने दिखाया नहीं, ये देखिए ये पानी मैंने तकरीबन ना 10 लीटर के अंदर 5 cc एनलोजिम डाला है। इसकी वजह से ना मेरे परिंदों के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना वो टोटली ख़त्म हो जाएगा, तो इंशाल्लाह आप भी करें मैं भी करता हूँ। और एक आपको बैड न्यूज़ भी देता चलूँ, ये देखें अंडा खा गई है मेरी मुर्गी ने, ये वाली, ये देखें बेबी खा रही है। तो ये अंडा खाने वाली मुर्गियों का क्या इलाज है ये मुझे नहीं पता, तो मेहरबानी करके जिस भाई को भी पता हो ना भाई ज़रूर बताएं, मेरे बहुत अंडे खाए जाते हैं, मेरी सारी मुर्गियाँ ही ऐसी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने सारे जानवरों को मैंने पानी पिला दिया, पानी में पिला ही रहा था कि फ़िज़ान आ गया। ये देखें फिज़ान हमारे काम में हमारी ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ना पैर की चोट भी काफ़ी बेहतर है। तो मैंने आपको बताना था जिस मुर्गी ने हमारी अंडा खाया है ना, वो अंडा खा के और हो गई है कुड़क, तो अब हमने ये करना है या उसको सेल आउट कर देंगे या फिर यूँ करेंगे कि अब उसको रख देंगे बिल्कुल साइड पे, क्योंकि अब जिसने हमें दी थी ना उसने हमसे फ्रॉड किया, और उसने फ्रॉड ये कह के किया है कि भाई मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की, आप मुर्गी ले जाओ और बहुत अच्छी मुर्गी है। अब वो फ्रॉड जिसने किया ना मैं आपको उसकी भी शक्ल दिखाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना मैं जो ना अभी आ गया था जुम्मा पढ़ के ना, तो अभी मैं ऊपर आके अपने परिंदों के पास बैठा हूँ, इन्जॉय कर रहा हूँ परिंदों को माशाल्लाह। बहुत खुशी भी होती है मुझे जब मैं इनके पास आता हूँ ना, सुकून मिल जाता है कसम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ना मैंने शाम का दाना डालना शुरू कर दिया चूज़ों के लिए ना, मैंने ये फीड है ना, फीड जो आपके सामने कल मैंने फीड पीटी थी, अभी मैंने क्या किया इसके अंदर मैं थोड़ा सा ना खुश्क दूध मिला लिया। आप किसी भी वेटरनरी स्टोर से ले सकते हैं खुश्क दूध ना, कहीं से भी। उसका फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा उसका यह है कि जो हमारे जानवर सूखते हैं सही ग्रोथ नहीं करते, तो उसमें बहुत फ़ायदा था और बहुत मुख्तलिफ फ़वाद। अगर आपका दिल राज़ी होता है कि आप उसको इस्तेमाल करें तो मेरे कहने से आप ज़रूर इस्तेमाल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जानवरों के देखे मैंने फीड डाल दूँ ना इसमें, थोड़ा सा ना इसमें दाना डाल के और इसको मिक्स कर दिया, फीड देखें आपको नीचे नज़र आ रही होगी, ये देखें। तो आप लोग किस तरह करें वो देखें, अभी तो फिजान डाल रहा है सबको, सबके खुडों में डाल रहा है ये दाना। अभी मैं भी यही करने लगा हूँ कि अपने सब परिंदों के खुडों में जो बच गए उनको मैं डालने लगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह। तो ये हमने डाल दी, ये देखें इंशाल्लाह शौक से खाएंगे। तो अभी ये देखें वो उसको मार रहा है, तो अभी इनका आधा आधा कर देते हैं। फैजान एक डब्बा लेके आओ। तो अभी मैं ऊपर छत पे आया हूँ और फिजान को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया है।
अभी मैं उसे ढूंढता हूँ। ये ऊपर बैठा हुआ था, ये तो इसने सरप्राइज कर दिया हमें, मतलब सरप्राइज दे दिया इसने। मैं इसको ढूंढ रहा था और ये ऊपर बैठा हुआ था। अभी माशाल्लाह हमारी इन वाली मुर्गियों ने खा लिया थोड़ा सा, तो अभी हम ये करेंगे कि इनको थोड़ा सा और डालेंगे। माशाल्लाह इनकी खुराक बढ़ गई है जब से ये मुर्ग के साथ लगे हैं, तब से मैंने देखा है कि हर परिंदे की खुराक में ना इंक्रीमेंट हुई है कुछ ना कुछ। अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, धूप तो बिल्कुल गायब हो गई है। परिंदों को तो मैंने दाना डाला हुआ था, आज हमारे परिंदों ने दाना बचा दिया काफ़ी ज़्यादा, पता नहीं मैंने ज़्यादा डाल दिया क्योंकि पेट तो अच्छी तरह भर लिया है, या इन्होंने सुबह की रोटी ज़्यादा खाई हुई है। तो अभी मैंने करना ये है कि जो दाना बचा है वो इकट्ठा करके उसमें से कुछ इधर यहाँ नीचे डाल दूँगा ना ज़मीन पर। और ये देखें ज़रा इसकी हरकत है, गुड्डी उड़ा रहा है ये, और जो साफ़ होगा वो इकट्ठा कर लेंगे, वो कल पे डाल देंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैं ऊपर आया था यहाँ पे अपनी डफ्स को ढकने, तो अभी डफ्स को ढकने लगा हूँ। अभी क्यों ढकना है? बस डफ्स को ढक देते हैं, इनको हवा लगती है ना फिजान भाई। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी डफ्स को भी ढक दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना अभी नीचे वाले परिंदों को बंद कर दिया, ये देखें अभी ये हम जाने लगे ऊपर। बंद इसलिए जल्दी कर दिया है क्योंकि ना ठंड होना शुरू हो गई थी, नहीं तो मैंने आज लेट ही बंद करना था। अब वो हुआ अचानक यूँ है कि ठंड हो गई शुरू, तो फिर आपके भाई ने सोचा कि क्यों लेट करें, फटाफट से जाते हैं ऊपर बंद करते हैं। फिजान नीचे देखी कौन आया, देख तो सही। ये देखें फिजान दोबारा कहाँ से आ रहा है। ये लो माजी चाबी, ये लो उठा लोगी ना। तो भाई यहाँ पे फिजान साहब ने मेरे आने से पहले ही जो है ना, ये देखिए माशाल्लाह काफी जानवरों का ना ढक लिया। तो अभी ना फिजान भाई ने ना ये वाला डंडा फेंका जिसकी वजह से हमारी मुर्गियां जो थी अपने अंडों पे चढ़ के अंडे तोड़ने लगी थी। वो तो अगर मैं फिजान भाई को थोड़ा सा ना समझाता तो काम खराब हो जाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना अपने सारे जानवरों को बंद कर दिया, फिजान ने आज मेरे साथ बहुत ज़्यादा काम कराया सुबह से। अभी अहमद साहब आए हैं, मुल्ला साहब अभी थोड़ी देर में आए हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।